नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 15 अगस्त को लेकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में इमामगंज थाना के पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार अपने सशस्त्र बल के साथ वाहन चेकिंग के क्रम में कोटी मोड़ से सट्टे पंजाब नेशनल बैंक के सामने से एक मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति गाड़ी को तेजी से चलाते हुए इमामगंज बाजार तरफ से आ रहे थे, जो पुलिस बल को देखकर गाड़ी घुमाकर भागने लगे, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाए गए तीनों व्यक्ति अपना नाम आसिफ खां, शाहरुख खां और तंबू खां, सभी थाना कोटी जिला गया के रहने वाले हैं। तीनों व्यक्तियों की तलाशी लेने पर आसिफ खां के पास से पिस्टल, जिसके मैगजीन में दो राउंड जिंदा कारतूस लोड था, एवं एक मोबाइल बरामद किया गया और तंबू खां के पास से एक मोबाइल बरामद किया गया और मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। आइए आपको सुनाते हैं, इमामगंज के DSP अमित कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ जानकारी दी, आपको दिखाते हैं। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। ये पदाधिकारी के निर्देशन आगामी 15 अगस्त को लेकर पूरे इमामगंज अनुमंडल क्षेत्र में सतर्कतापूर्ण एवं चौकसी के रूप से गश्ती हम लोग कर रहे हैं, वाहन चेकिंग हो रहा है। उसी दरमियान इनपुट्स मिला कि कुछ लोग मोटरसाइकिल से सवार होकर के कहीं जा रहे हैं। उसके आधार पर जो पुरुष से जो वाहन चेकिंग एवं जो गश्ती का कार्य किया जा रहा था, उसको और कड़ाई रूप से अनुपालन करने के निर्देशित किया गया। इसी दौरान कोठी मोड़ के पास इमामगंज के थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार, श्री चंदन राम सब इंस्पेक्टर और श्री सूर्यनारायण, ये लोग गश्ती सतर्कतापूर्वक गश्ती कर रहे थे, तो एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति सवार होकर जाता हुआ नजर आया। उसे रोक करके जब चेक किया गया तो जो बैठे हुए थे उनसे एक पिस्टल और दो जिंदा राउंड बरामद किया गया। साथ ही साथ उनके अभी मोबाइल जो तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिसमें उसके इंटरनल डाटा को भी अनुसंधान में देखा जा रहा है। हो सकता है कि ये जो जा रहे थे किसी अन्य घटना घटित करने के उद्देश्य से जा रहे थे। पूरा मामला ही ये तीनों इमाम कोटी क्षेत्र का, एक का नाम आसिफ खान, एक का तबू खान और एक का शाहरुख खान। अभी तक अनुसंधान क्रम में एक शाहरुख खान पर एक पूर्व का इतिहास पाया गया है कोटी थाना क्षेत्र में, एक इनके विरुद्ध एक कांड दर्ज है। अन्य दो के विरुद्ध पूरे अनुमंडल क्षेत्र में देखा जा रहा है कि कोई केस है या नहीं, इसके बारे में अगर बाद में सुनिए। आसिफ है नहीं, शाहरुख खान पर पुरुष इतिहास कोटी थाना में केस है, कोटी थाना जिसमें ये मारपीट को लेकर केस है। वर्तमान में अभी तक पता नहीं चला है, हम जो हमारे जो नौ थाना है उसमें अभिलेख को जो संधारित अभिलेख है वो दिखवाए, अगर होगा तो सूचना दी जाएगी। साथ ही साथ जो सीमावर्ती हमारे चतरा और पलामू जिले हैं उस वहाँ भी हम देख रहे हैं कि जब कोई आपराधिक विषय मिल रहा है तो उसके बाद अभी तक उन दोनों के खिलाफ नहीं। ये कल शाम 8 से 9 बजे से कहाँ से लोग आ रहे थे? ये लोग उसी क्षेत्र में मोटरसाइकिल से घूम रहे थे। अब ये श्योर नहीं कि इसका उद्देश्य क्या था, वो अग्रतर अनुसंधान के क्रम में पता चल जाएगा।